शिवपुरी साइंस कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर चपरासी ने हड़पे छात्रा के रुपए, छात्रा का एक साल हुआ बर्बाद। पीड़ित छात्रा ने जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के साइंस कॉलेज में पदस्थ चपरासी दिलीप शाक्य पर एक छात्रा ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने के नाम पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में करते हुए चपरासी के खिलाफ कार्यवाही और कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार सलोनी शाह के पुत्री अरुण शाह के निवासी सईसुपुरा शिवपुरी ने बताया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले साइंस कॉलेज के चपरासी दिलीप शाक्य ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने के नाम से उससे दो बार में 1150 रुपए ले लिए, लेकिन ये पैसे कॉलेज में जमा नहीं किया, जिस वजह से उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। बाद में जब उसने कॉलेज में जाकर ऑनलाइन पता किया तो जानकारी मिली कि एडमिशन फीस जमा नहीं करने की वजह से उसके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है। पीड़ित छात्रा ने जनसुनवाई में चपरासी के खिलाफ कार्यवाही और कॉलेज में एडमिशन के लिए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी शाह है। जनसुनवाई में आई थी, आप क्या समस्या लेके आई थी? अजी मेरी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था और मैंने दो बार फीस दे दी थी। दिलीप शाक्य है, साइंस कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन है, उसने मुझसे दो बार पैसे लिए। बकायदा मेरा नाम आया था चार बार, बट उनने फीस सबमिट नहीं की, तो सर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मेरी एक साल खराब हो गई है। कितनी फीस जमा की थी आपने? मेरी 1150 दो बार दी थी मैंने, बट मेरी फीस एक बार भी सबमिट नहीं हुई थी। हाँ, तो फीस जमा ना होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हुआ? जी हाँ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है और मुझे एडमिशन चाहिए, बट अब डेट निकल गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ। अभी आपने यहाँ जनसुनवाई में आई थी, क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने बोला कि आप प्रिंसिपल सर से एक बार और बात करना, और नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे।